हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के बारे में। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंचुरेशन पढ़ रहे हैं, और मेंचुरेशन में हम लोग काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, और अभी 2D चल रहा है। पढ़ाने का तरीका मेरा, इतने दिन हो गए चैनल चलते हुए, आप लोगों ने देख लिया होगा, पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ और फिर उसके क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। थ्योरी मेरे साथ साथ पढ़ा करो, लगभग 60-70% क्वेश्चन थ्योरी पढ़ते टाइम ही क्लियर हो जाएंगे, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन करूँगा तब बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वाड्रिलेटरल की, चतुर्भुज की। और क्वाड्रिलेटरल में मैं काफ़ी अच्छे और काफ़ी सही पॉइंट्स बताने वाला हूँ। शुरुआत करूँगा एकदम जीरो से, आसान चीज़ों से, और जैसे 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 हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं क्वाड्रिलेटरल में जो सिर्फ़ और सिर्फ आज तक आपने आधी सीखी हैं, उनसे एडवांस वाली जो चीज़ें हैं, जो एडवांस थोड़े से पॉइंट हैं आपने सीख रखे हैं तब तो ठीक है, नहीं सीख रखे हैं तो फिर लास्ट तक आप लोग देखना, जिससे आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस भी SSC पूछ सकता है। अभी तक उस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं पूछे गए, लेकिन आगे पूछ सकता है। तो हम लोग थोड़ी सी एडवांस और अच्छे पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। आसान तो मैं पढ़ाऊंगा ही, और जो ज्योमेट्री में मैं बता चुका हूँ उसको भी 2-4-5 मिनट के लिए रिवाइज करूंगा, और फिर अच्छे जो पॉइंट्स हैं इसके वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वाड्रिलेटरल। यानी कि चतुर्भुज, जैसा आप लोगों को नाम से पता है कि क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज, किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर रेक्टेंगल और स्क्वायर से पहले ये पढ़ाना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल और स्क्वायर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे थोड़े कम क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको मुझे थोड़ा सा डीप से पढ़ाना था, इसलिए उन दोनों पॉइंट्स को मैंने, वैसे स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन उन दोनों पॉइंट्स को मैंने पहले पढ़ा दिया है। आज आपको कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो आप लोगों को नहीं पता, शुरुआत में जो मैं 8-10 मिनट पढ़ाऊंगा वो पॉइंट्स आप लोगों को पहले से पता होंगे, अगर आप लोग ज्योमेट्री का मेरा वीडियो देख चुके हो क्वाड्रिलेटरल वाला तो। लेकिन उसके बाद जो मैं पॉइंट बताऊंगा आपको, 4 या 5 पॉइंट, वो आपने अगर एडवांस थोड़ा सा पढ़ा है, अच्छे से अगर पढ़ा है तो ही पता होगा, नहीं तो वो पॉइंट्स आप लोगों को नहीं पता होगा। तो कंप्लीट देखना, कुछ नया 100% आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ये पक्का है। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, चार साइड से बाउंडेड कोई भी फिगर अपने पास क्वाड्रिलेटरल होता है। इसके चार एंगल्स होते हैं और चार इसकी साइड्स होती हैं। इसके चार अपने पास एंगल वर्टिसेज होंगे और चार इसकी साइड्स होंगी। इनके सभी एंगल्स का सम, ये हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल चार साइड्स और इनके सभी एंगल्स का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री में समझा दी, ऐसा होता क्यों है वहाँ बताया था, लेकिन थोड़ी देर में वो चीज़ें रिपीट करता हूँ और उसके बाद नए पॉइंट आपको समझाने की शुरुआत करता हूँ। एक चतुर्भुज के चारों एंगल्स का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होता है 360 डिग्री। ध्यान रखना, यहाँ से अगर हम लोग, इसका एक डायगोनल ये वाला है और दूसरा डायगोनल इसका ये वाला है, इसके दो डायगनल्स हैं, एक अपने पास ये इधर वाला ये है और एक डायगनल ये इधर वाला है, ये विकर्ण होते हैं। और यहाँ पर अपने पास इसको मान लीजिए ये ए है और ये मान लीजिए बी है, इसकी लेंथ एक्स है और इसकी लेंथ वाई है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, ए बी डी का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ए बी डी का एरिया, ट्राइंगल ए बी डी का एरिया और ट्रायंगल अपने पास सी ए डी का एरिया, ए बी डी का एरिया और सी बी डी का एरिया, ट्रायंगल सी बी डी का एरिया का रेशियो वही होगा जो अपने पास इन दोनों का रेशियो है, ए अनुपात बी, ए इज टू बी। ये आप लोग ध्यान रखना, मैं क्या समझा रहा हूँ, अगर कभी इधर वाले ट्रायंगल का एरिया आप लोगों को रेशियो अगर चाहिए दोनों का, तो ए सी बी का, ट्रायंगल ए सी बी का क्षेत्रफल, ए सी बी का एरिया, और इधर वाला जो ट्रायंगल है ये ए सी डी, इधर वाला जो ट्रायंगल है ए सी डी, एरिया का रेशियो, एक तो अपने पास ए सी बी है और दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी, इनके एरिया का रेशियो ये होगा एक्स इज टू वाई। ये आप लोग ध्यान रखना, क्षेत्रफल का अनुपात अगर कभी निकालना पड़े तो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल का तो ए अनुपात बी, और इधर वाले का एक्स अनुपात वाई, कैसे आया ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ ज्योमेट्री में। तो उसको अगले 3-4-5 मिनट के लिए हम लोग रिवाइज करेंगे जो वहाँ पर पढ़ा था, और उसके बाद हम लोग इसके पॉइंट समझने की शुरुआत करेंगे, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम लोग देखेंगे। देखिए, आगे चलते हैं थोड़ा सा, और इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं।
इसका परिमाप का फॉर्मूला तो तीनों साइड्स, चार जो साइड्स हैं उनका सम होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, और ये जो अपने पास चारों साइड्स का जो सम होगा उसको हम लोग बोलते हैं इसका पेरीमीटर। ध्यान देना, अपने पास कोई भी चतुर्भुज अगर इस प्रकार से है, कोई भी चतुर्भुज अगर इस प्रकार से है, ए बी सी और डी, यहाँ से इसका एक परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल मान लो बी डी है, इस पर एक डायगोनल इसका कोई सा भी, बी डी भी दे सकता है या ए सी भी दे सकता है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हम लोगों ने, ये मान लो ए एल है और ये मान लो सी एम है, परपेंडिकुलर का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाए परपेंडिकुलर डाल दिया, तो मुझे बताओ ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया आप लोग निकाल सकते हो क्या? ट्रायंगल में मैंने काफ़ी डीप से और काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया, उसको रिवाइज़ कीजिए ताकि कंप्लीट थ्योरी आपकी क्लियर हो। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ अपने पास हाफ है, बेस अपने पास यहाँ से यहाँ तक बी डी है, बेस बी डी है और हाइट इस ट्रायंगल की है ए एल, हाइट का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाए, और ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है किसी ट्रायंगल का एरिया। ऐसे ही नीचे वाला ये जो ट्रायंगल बचा अपने पास, ये वाला जो ट्रायंगल बचा नीचे वाला, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका बेस तो वही बी डी है और हाइट है सी एम, तो हाफ इंटू हाफ इंटू बी डी इंटू सी एम, और इन दोनों का अगर ऐड कर दिया जाए तो एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी और डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये जो है अपने पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो, यहाँ पर हम लोग हाफ कॉमन लें तो अंदर बचेगा ए एल प्लस सी एम इंटू बी डी। तो ये आप लोग ध्यान रखना, अपने पास चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है अपने पास एक तो डायगोनल दिया हुआ है और उस पर दोनों परपेंडिकुलर का अगर सम हम लोगों का दोनों परपेंडिकुलर दिए हुए हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एक डायगोनल, और डायगोनल पर दो परपेंडिकुलर जो दोनों वर्टिसेस से डाले उनको सम करते हैं, ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए या आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्योंकि मेंसुरेशन पढ़ रहा हूँ, मेंसुरेशन में किसी भी चीज़ का कम से कम क्षेत्रफल तो पता होना ही चाहिए, तो इसके ये एरिया का फॉर्मूला अपने पास होता है ये वाला, ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको आप लोगों को वापस समझाता हूँ। देखिए इस प्रकार से इधर ध्यान देना और कोशिश करना समझने की, इस प्रकार से कोई भी चतुर्भुज अपने पास, ये ए बी सी डी कोई भी अपने पास चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, एक अपने पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, नाम दे देता हूँ मैं इसके, मान लो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को अगर ओ पर काटें, ये पॉइंट अभी समझा रहा हूँ मैं एक मिनट में, इससे पहले आप लोग ये देख लीजिए किसी भी चतुर्भुज के अगर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों, किसी भी चतुर्भुज के दोनों डायगोनल्स अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, ए बी सी और डी, ये छोटा सा पॉइंट है इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ और फिर उससे एडवांस जो आगे वाले वर्जन है उस वो एडवांस वर्जन की जो चीज़ें हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर किसी भी चतुर्भुज के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर अगर हों तो याद रखना ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, अपोजिट साइड्स के सम का स्क्वायर हमेशा अपोजिट साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है सी बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अगर कभी भी ये पॉइंट जिसका नहीं पढ़ा हुआ नहीं जिस जो लोग नहीं जानते वो याद कर सकते हो, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर होता है अपने पास बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, अपोजिट साइड्स ए बी, यहाँ पर कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, सी बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इसके बराबर होता है अपोजिट साइड्स के सम का स्क्वायर, अपोजिट साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आइए अब मैं आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझाता हूँ और कोशिश करता हूँ समझाने की। तो देखिए अगर किसी भी इसके क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स अगर यहाँ पर मिलते हैं, वापस बना देता हूँ मैं एक बार आपके लिए, इस प्रकार से अगर कभी भी हो ए बी सी और डी, कोई भी चतुर्भुज अपने पास ए बी सी और डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को अगर ओ पर मिले और मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये डिस्टेंस, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये वाला कोण मान लीजिए थीटा है, तो ये वाला कोण बचेगा 180 माइनस थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो ये थीटा होगा, तो ये होगा 180 माइनस थीटा, इस वाले का क्षेत्रफल ए वन मानो, इसका क्षेत्रफल A2 मानिए, इसका क्षेत्रफल A3 मानिए और इसका क्षेत्रफल मानिए A4।
तो आप लोग हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना, हमेशा इस चीज़ को ट्रिपेजियम में मैं वापस भी बताऊंगा, जहां पर भी आएगा मैं हमेशा समझाने की कोशिश करूंगा। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पर आया है तो आप लोग पहले से जो पहले वाले अपने वीडियोस हैं शुरुआत से एक नंबर से उनसे शुरुआत कीजिए ताकि आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आए। और उससे पहले आप लोग ज्योमेट्री भी देख लीजिए क्योंकि ज्योमेट्री मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी की मैंने करवाई है, क्वेश्चंस करवाए, अभी भी क्वेश्चंस चल रहे हैं और मेरे वीडियोज़ भी आएंगे। मैं साथ साथ इसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और बीच बीच में उसमें कभी कभार आप लोगों को वो क्वेश्चंस याद रहे, थ्योरी याद रहे, उसके लिए मैं वीडियोज़ डाल देता हूँ। तो आप लोग इसके साथ अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है इस चैनल में तो आप लोग हमेशा पहले वाले चैप्टर पहले देखा करो, शुरुआत किया करो एक नंबर से। मैं कंप्लीट थ्योरी समझा रहा हूँ कंप्लीट बेसिक के साथ, बेसिक क्लियर होगा सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। मुझे बताओ A1 का जो क्षेत्रफल, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, ट्रायंगल काफ़ी बेसिक से मैं पढ़ा चुका हूँ और A1 बराबर होगा अपने पास हाफ दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन और बीच का कोण लेते हैं हम लोग साइन थीटा। और ध्यान रखना साइन 180 माइनस थीटा जो होता है, अगर साइन 180 माइनस थीटा अगर है तो वो भी साइन थीटा ही होता है। क्यों होता है ये आप लोगों को समझ में आएगा जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा उस टाइम। ऐसे ही A2 का जो क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू बी इंटू सी साइन 180 माइनस थीटा, बीच का कोण हमेशा साइन में और साइन 180 माइनस थीटा को आप लोग साइन थीटा लिख सकते हो। ऐसे ही A3 का जो क्षेत्रफल होगा, ये साइड C है ये साइड D है तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू सी इंटू डी इंटू, बीच का कोण हमेशा साइन में। और ऐसे ही A4 का क्षेत्रफल हाफ इंटू हम लोग लिख सकते हैं D इंटू A इंटू साइन थीटा, 180 माइनस थीटा साइन थीटा। देखो A1 और A3 को इंटू करने पर अपने पास A1 में A3 को अगर इंटू कर दिया जाए तो ये आएगा 1/4 A इंटू B इंटू C इंटू D इंटू साइन स्क्वायर। और ऐसे ही ध्यान रखना इन दोनों को इंटू कर दिया जाए, A2 और A4 को अगर इंटू कर दिया जाए तो 1/4 A इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सेम वही चीज़ें आएंगी BCDA। तो क्या पता क्या मुझे आप लोग ये बताइए A1 और A3 का क्षेत्रफल क्या A2 और A4 के क्षेत्रफल के बराबर हो गया क्या? ये अगली क्लास में मैं वापस भी आप लोगों को समझाऊंगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। और क्योंकि इतना ही आप लोग पढ़ते हो, यहीं तक आप लोग पढ़ते हो, आगे की चीज़ें अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्षेत्रफल वाली, ये जो क्षेत्रफल वाली हैं क्योंकि हम लोग मेंचुरेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग प्योर मेंचुरेशन पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं अपने पास A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4, ये जो चीज़ें हैं आप लोग A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू 4 यहाँ तक पढ़ लेते हो, इसके बाद की चीज़ें आप लोग स्किप कर देते हो। और जब भी थोड़ा सा भी लेवल से ऊपर का क्वेश्चन आता है फिर आप लोगों को लगता है कि टफ पेपर आ गया, टफ पेपर आ गया, जैसे 2017 में हुआ। तो अगर कंप्लीट चीज़ें अगर पढ़ लोगे उसके बाद कितना भी टफ पेपर आए आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ जो आप लोग कोशिश करना अब समझने की, जिससे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अगर कभी आएँ तो आप लोग तुरंत आंसर दो। और अगर ये चीज़ें पता होंगी तो वो क्वेश्चंस करने में आधा सेकंड भी नहीं लगेगा, और ये चीज़ें अगर नहीं पता होंगी तो वो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। अगर ये चीज़ें पता है तो तुरंत कर पाओगे, नहीं पता तो वो क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल अपने पास, कोई भी चतुर्भुज है, कोशिश करना समझने की, कोई भी चतुर्भुज अपने पास इस प्रकार से, ये मान लीजिए ए बी सी और डी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है ना पैरेललोग्राम है ना रोम्बस है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी चतुर्भुज अपने पास, इसका मिड पॉइंट ये मान लीजिए एम है और इसका मिड पॉइंट ये मान लीजिए एन है, ये मिड पॉइंट्स हैं। ये इसका मिड पॉइंट एम है और इसका मिड पॉइंट एन है, ये दोनों इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो हमेशा ध्यान रखना मिड पॉइंट को मिलाने वाली यहाँ से, इससे इसको मिला दिया जाए, कोशिश करना समझने की, इसको इससे मिला दिया जाए और इसको अगर इस वाले भाग से मिला दिया जाए, इस प्रकार से हम लोग इसको ज्वाइन करवा दें तो यहाँ पर ये वाले भाग का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल मैं S1 मानूँ, इस वाले भाग का क्षेत्रफल S1 या इस वाले भाग का क्षेत्रफल आप लोग कुछ भी मान सकते हो, A1 मान सकते हो, S1 मान सकते हो, ये वाला अपने पास S2 है, ये वाला अपने पास S3 है और ये वाला अपने पास S4 है। तो हमेशा आप लोगों को याद रखना, क्या याद रखना, S1 प्लस S2 का क्षेत्रफल, A1 A2 लिखोगे तो वो लिखना है, S1 लिख लिया तो S1 प्लस S2 का क्षेत्रफल बराबर होगा S3 प्लस S4 के क्षेत्रफल के। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से आया वो तो मैं समझा दूंगा। ध्यान रखना इस वाले भाग का क्षेत्रफल ये जो एरिया है और इस वाले भाग का क्षेत्रफल ये वाला एरिया है,
आप लोग वो तो पढ़ लेते हो, ए वन इंटू ए थ्री बराबर ए टू इंटू ए फोर, उन दोनों को तो रट लेते हो, लेकिन आगे वाली चीज़ें जब तक ये आप लोगों की नहीं पढ़ी हुई होंगी तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चंस करने में। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम हमेशा बराबर होता है, ये आप लोग याद रखना। मैं समझा रहा हूँ क्यों बराबर होता है, लेकिन आप लोग इसको लिख भी सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन दोनों भाग का क्षेत्रफल इन दोनों भाग के क्षेत्रफल के हमेशा इक्वल होगा, ये आप लोग याद रखना। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, इन चारों में से कोई भी तीन का क्षेत्रफल दे देगा, इसका क्षेत्रफल 8 है, इसका क्षेत्रफल 6 है, इसका क्षेत्रफल अगर 7 है तो इसका एरिया बताइए कितना होगा। तो याद रखना ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 8 और 6 का सम अगर 14 अपने पास है तो 7, इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा 7, सम कितना आएगा 14। अब आया कैसे वो चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ध्यान देना एक बार इसका डायग्राम आप लोग बना लेना और ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस अब एसएससी में आ सकते हैं, तो कोशिश करना समझने की। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अपने पास, कोई भी चतुर्भुज कैसा भी बना लो, ए बी सी और डी, यहाँ पर इसका ये पॉइंट एम है और इसका ये वाला जो पॉइंट है ये अपने पास एन है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला दिया जाए, जैसे इस प्रकार से मिला रहे हैं, इसको यहाँ से ऐसे हम लोग मिला दें मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से मिलाना है, और इसको यहाँ से इस प्रकार से मिला दें, तो हमें प्रूव करना है कि इस इन दोनों का सम और इन दोनों का सम। एक बार लिख देता हूँ, एस वन, ये अपने पास हम लोगों ने लिखा एस टू, ये एस थ्री और ये एस फोर, तो एस वन प्लस एस टू बराबर एस थ्री प्लस एस फोर, कैसे कर पाएंगे, ध्यान दो, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, मैं ज्योमेट्री में समझा चुका हूँ क्यों करती है, ये भी मैंने बता दिया था, आप लोग याद रखना, अगर किसी भी, अगर यहाँ से मिड पॉइंट अगर है, ये अगर मिड पॉइंट है तो इन दोनों के एरिया का रेशियो भी 1:1 होगा, इसका एरिया भी 1/2 होगा, इसका एरिया भी 1/2 होगा, मतलब ए बी सी और ये पॉइंट डी है और ये दोनों अगर बराबर हैं तो ए बी डी का क्षेत्रफल और ए डी ए डी सी का क्षेत्रफल, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ए बी डी का एरिया और ए डी सी का एरिया, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। और ये पॉइंट अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग देखिए ध्यान दो बोर्ड पर, इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसको मैं एक बार मिला रहा हूँ, मुझे ये बताइए इस वाले इसका क्षेत्रफल बी एन डी और एम का क्षेत्रफल, एक बार समझ में अपने आप आ जाएगा जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एस वन प्लस एस टू का क्षेत्रफल बराबर होता है एस थ्री प्लस एस फोर के क्षेत्रफल के, ये याद रखना है, लेकिन आया कैसे, मैं बेसिक से हमेशा पढ़ाता हूँ, तो आप लोग ये एस वन प्लस एस टू बराबर एस थ्री प्लस एस फोर कैसे आया मुझे बताइए, एम ए एन सी का क्षेत्रफल, एम ए एन सी, ये क्वाड्रिलेटरल एम ए एन सी का जो क्षेत्रफल है, ध्यान देना आप लोग, चतुर्भुज एम ए एन सी के क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए एम एन लिख सकते हैं, इसके क्षेत्रफल को टोटल जो क्वाड्रिलेटरल है एम ए एन सी दो ट्रायंगल से मिलकर बना है, एक तो ए एम एन से मिलकर बना है, तो इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल ए एन एम प्लस, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए एन एम प्लस बनाए सी एन एम के साथ, प्लस ट्रायंगल सी एन एम, सी एन एम, ठीक है। अब मुझे ये बताइए जो ए एन एम का क्षेत्रफल है और ये अगर मिड पॉइंट है तो क्या ए एन एम का क्षेत्रफल, देखो आपको समझ में आएगा, एक बार ये लाइन हटा रहा हूँ मैं, मुझे बताइए इस ट्रायंगल में ये अगर मिड पॉइंट है तो ए एन एम का क्षेत्रफल क्या एन एम डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा क्या, तो जहाँ ए एन एम है उसकी जगह हम लोग ए एन एम जहाँ पर है उसकी जगह आप लोग एन एम डी लिख सकते हो, प्लस जहाँ पर सी एन एम है, वापस मिला दो इसको क्योंकि डायग्राम तो कंप्लीट होना ही चाहिए, तो समझाने के लिए मैंने बता दिया, जहाँ पर एक बार इसको हटा के दिखा रहा हूँ, मुझे आप लोग बताइए जहाँ पर सी एन एम का क्षेत्रफल है, सी एन एम ये मिड पॉइंट है, सी एन एम की जगह क्या आप लोग एम एन बी लिख सकते हो क्या, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं एम एन बी, ये वापस मैं मिला देता हूँ एम एन बी, ये समझाने के लिए एक बार मैं बीच बीच से हटा देता हूँ, और मुझे बताओ एन एम डी, ये एन है, ये एम है, ये डी है, एन एम डी और एम एन बी, ये वाला दोनों मिलकर क्या अपने पास ये पूरा ये बन गया क्या,
ये कंप्लीट बन गया, तो बन गया बी एन डी एम, इसको लिख सकते हैं बी एन डी एम, बी एन डी एम लिख सकते हैं टोटल। इन दोनों को ऐड करोगे, कौन कौन से को ऐड करोगे, एन एम डी को, एन एम डी को ऐड किया। कोशिश करना समझने की, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, तो आप लोगों के मुझे पता है कि थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है, लेकिन बार बार देखना ये एकदम ठीक है, एकदम सही है, बार बार देखना और इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि अच्छी चीज़ें अगर समझनी है तो थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो एन एम डी का क्षेत्रफल और एक बार में समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो ये तो है एन एम डी और उधर वाला है एम एन बी, एम एन बी, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्वाड्रिलेटरल बन गया दोनों ट्रायंगल मिलकर। इसका मतलब एम ए एन सी का क्षेत्रफल और बी एन डी एम का क्षेत्रफल, ये जो है अपने पास इस वाले भाग का क्षेत्रफल और इस वाले भाग का क्षेत्रफल दोनों का बराबर हो गया। मुझे बताइए एस वन है और इस बीच वाले के क्षेत्रफल मान लो एक्स, और ये है एस टू, तो इसके क्षेत्रफल को एम ए एन सी की जगह, एम ए एन सी की जगह तो लिख सकते हैं एस थ्री प्लस एक्स प्लस एक्स फोर, एस थ्री प्लस एक्स प्लस एस फोर, और ये हम लोग बी एन डी सी की जगह, इधर वाले की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं एस वन प्लस एक्स प्लस एस टू, एक्स एक्स कट गया। या हमें पता है कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर इस वाले भाग के क्षेत्रफल के बराबर है और ये बीच वाला कॉमन होने के कारण हट जाएगा, तो इन दोनों का सम, इन दोनों के सम के बराबर बचेगा। यही एस थ्री एस फोर का सम एस वन एस टू के बराबर हमें प्रूव करना था। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ सकता है। अगर पता हुआ तो चार में से तीन देगा और चौथा पूछेगा, आधे सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। नहीं पता हुआ तो फिर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट मैं वापस आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ इस प्रकार से। देखो ध्यान देना, ये अपने पास कोई भी चतुर्भुज और इनको लिखते चलना, ये जो पॉइंट्स मैं समझाते जा रहा हूँ ये आप लोगों को मतलब लिखने हैं और इनको याद भी करने हैं, पॉइंट लिखते चलना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए हैं ये, कोई भी चतुर्भुज ऐसा नहीं है कि फिक्स ही रेक्टेंगल दे या फिक्स स्क्वायर, हर क्वाड्रिलेटरल में रूल लगते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है और ये अपने पास डी है। इसका मिड पॉइंट एम है और इसका मिड पॉइंट एन है। यहाँ से ध्यान रखना, इसके मिड पॉइंट को इस प्रकार से और यहाँ से मिला दिया अगर जाए तो याद रखना, मैंने अभी भी समझाया था, अभी एक सेकंड पहले ही मैंने समझाया है, इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होता है और इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होता है, उन दोनों का जो सम है वो इन दोनों के भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। ऐसा मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ऐसा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर, ग्रीन वाले पार्ट का एरिया रेड वाले पार्ट के सम के बराबर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं इसी का आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसी टाइप से समझा रहा हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम्स बोलते हैं इनको, क्वाड्रिलेटरल की मिड पॉइंट्स थ्योरम्स होती हैं ये। इस प्रकार से अगर है ए बी सी और डी, नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल पर आप लोग कम ध्यान देते हो, चतुर्भुज पर ट्रायंगल पढ़ लेते हो, सर्किल अच्छे से पढ़ लेते हो, तो क्वाड्रिलेटरल पर आप लोग थोड़ा सा कम ध्यान देते हो, तो इन चीज़ों को भी लिखना आप याद करना, हो सकता है इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएं। ये पॉइंट अगर M है और ये पॉइंट अगर N है, इसको इससे मिला दिया जाए, इसको इससे मिला दिया जाए और इसको अगर इससे मिला दिया जाए, तो एक बात सभी लोग ध्यान रखना, एक चीज़ सभी लोग याद रखना, इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है और इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है, क्योंकि मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ तो क्षेत्रफल की तो बात करूँगा ही करूँगा, एरिया की तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, इन वाले भाग का जो एरिया है वो बीच वाले इस वाले भाग के एरिया के इक्वल होगा, ग्रीन वाले पार्ट के इक्वल होगा। यानी ग्रीन वाले पार्ट को अगर आप लोग एस मानो, ग्रीन वाले पार्ट को अगर आप लोग एस मानते हो, इसको आप लोग एस वन मानो और इसको अगर आप लोग एस टू मानो, तो एस का क्षेत्रफल बराबर होता है एस वन प्लस एस टू के एरिया के। एस का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होता है, एस वन, एस का जो एरिया होता है वो एस वन प्लस एस टू के एरिया के बराबर होता है। अब आसान सा क्वेश्चन आएगा कि इसका क्षेत्रफल तीन है और इसका क्षेत्रफल दो है, तो बीच वाले इस वाले भाग का क्षेत्रफल, इसका एरिया आप लोग बताइए, क्वाड्रिलेटरल दे देगा, कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, फिर आपको कहेगा ऐसे क्वाड्रिलेटरल में कैसे पूछ लिया, लेकिन ये कहेगा कि ये मिड पॉइंट से, ध्यान रखना ये दोनों मिड पॉइंट हैं एम और एन। तो अगर आप लोगों को ये थ्योरम पता है, अगर ये आप लोगों को पॉइंट्स पता है, तो ये क्वेश्चन फिर आप के लिए आधे सेकंड का भी नहीं है। तीन और दो पांच, आंसर आ गया पांच, एस की वैल्यू अपने पास पांच आ गई, ये अपना आंसर है। कैसे आया वो चीज तो मैं आप लोगों को समझाने की हमेशा कोशिश करता ही हूं, लेकिन ये चीजें आप लोग याद भी रखना।
आप लोग सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में याद कर लेते हो, ए वन इंटू ए थ्री बराबर ए टू इंटू ए फोर, उससे काम चलने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के याद होनी चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखना। देखिए, देखो समझाता हूँ कैसे है ये। इस प्रकार से ये कोई भी चतुर्भुज अपने पास, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले, ए बी सी और डी, इसका मिड पॉइंट ये एम है और इसका मिड पॉइंट ये एन है। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको मिला दें, इसको मिला दिया जाए और इधर से अगर ये इस वाले भाग को मिला दिया जाए, तो अपने पास यहाँ से ध्यान रखना आप लोग, इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है ए बी एन का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड करो, ट्रायंगल ए बी एन, ट्रायंगल ए बी एन प्लस एक तो ट्रायंगल ए बी एन और एक इधर वाला ट्रायंगल सी एम डी प्लस ट्रायंगल सी एम डी, सी एम डी। हम लोगों ने क्या किया, ए बी एम को, ए बी एम को और इधर वाले ट्रायंगल सी एम डी को, दोनों को हम लोगों ने ऐड किया। और अब कोशिश करना समझने की, यहाँ से इसको मिला दीजिए, दूसरे पेन से मिलाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही दिखाई दे और थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। और ये मिड पॉइंट्स थ्योरम में ध्यान रखना, एन और एम मिड पॉइंट्स हैं, एन इसका मिड पॉइंट है, एम इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखना है। मिड पॉइंट्स थ्योरम में एम और एन इसके मिड पॉइंट्स हैं, पिछले वाले में भी मिड पॉइंट्स थे। तो मुझे बताइए क्या अपने पास जहाँ पर ए बी एन लिखा हुआ है, ए बी एन जहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जगह, जहाँ पर ए बी एन लिखा हुआ है उसकी जगह क्या हम लोग एन बी डी लिख सकते हैं, क्या ट्रायंगल एन बी डी लिख सकते हैं प्लस, ये मिड पॉइंट था और मिड पॉइंट होते ही आप लोगों को याद आएगा कि दोनों का क्षेत्रफल ए बी एन का क्षेत्रफल और एन बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा। ऐसे ये मिड पॉइंट है तो एम सी डी का क्षेत्रफल जो लिखा हुआ है सी एम डी, सी एम डी का क्षेत्रफल और ए एम बी का क्षेत्रफल, वर्टेक्स एक ही है और अगर बेस बराबर है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। इसकी जगह बी एम डी लिख सकते हो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, बी एम डी लिख सकते हो। तो आप लोगों ने एक तो लिख लिया बी एम डी, एक तो लिख लिया बी एम डी और एक लिख लिया आपने एन बी डी, ये दोनों ट्रायंगल मिलकर एन बी डी, देखो मैं आपको शेडेड कर देता हूँ इसको, एन बी डी एक तो ये वाला और एक इधर वाला, ये दोनों ट्रायंगल ऐड होके क्या चतुर्भुज बन गया, क्या एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, बी एम डी और एन। समझ तो पा रहे हो ना, हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा है, कोशिश करो, इम्पोर्टेंट है, पीछे रिवाइज करके वापस देखो, बार बार देखो, बार बार देखो। ये तीन चार पांच पॉइंट मैं आप लोगों को समझाऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आप लोगों के सामने आ सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना, इस क्वाड्रिलेटरल लिख लो बी एम डी और एन, इसको लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बी एम डी एन, बी एम डी एन ये लिख सकते हैं। और थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया है क्या बी एम डी और एन जो है, बी एम डी और एन का क्षेत्रफल क्या इस वाले का क्षेत्रफल इस वाले के क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्या एरिया इक्वल होता है, क्या इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया इस वाले क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर होगा, एम सी ए और एन के कैसे बराबर होगा नहीं पता, तो जस्ट 10-15-20 सेकंड वीडियो पहले कीजिए या 1.5-2 मिनट पहले कीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। बी एम डी की जगह आप लोग एम सी ए एन लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो एम सी ए और एन। अब देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को वापस से, तो आपके ध्यान रखना ये ए बी एन का क्षेत्रफल प्लस सी एम डी का क्षेत्रफल बराबर आ गया एम सी ए और एन के क्षेत्रफल के बराबर आ गया, दोनों का एरिया इक्वल हो गया। एरिया इक्वल कैसे हुआ वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाई है, ये यहाँ से ये रिजल्ट आ गया है कि ट्रायंगल ए बी एन का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल सी एम डी का क्षेत्रफल, ये आए कैसे वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में बैठने से पहले आप लोग याद रखना। अब देखो यहाँ पर मैं एक बार वापस समझाता हूँ, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा मैंने ख़राब कर दिया है, इस चीज़ को मैं वापस कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। तो यहाँ पर इस प्रकार से है, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी चतुर्भुज है, इस प्रकार से ए बी सी और डी, ये पॉइंट मिड पॉइंट एम है और ये इसका मिड पॉइंट एन है। मिड पॉइंट्स थ्योरम होती है क्वाड्रिलेटरल्स की, मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ओनली ट्रायंगल की मिड पॉइंट थ्योरम्स नहीं होती, इनकी भी मिड पॉइंट्स थ्योरम होती हैं। इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए, तो आप लोग ध्यान रखना ए बी एन, ए बी एन की जगह इसका क्षेत्रफल मान लो ये एक्स है, ये मान लो वाई है, एक्स वाई, ये मान लीजिए अल्फा है
और ये मान लो आपने पास ए है और ये मान लीजिए बी है, तो बताओ ए, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं एक बार मान रहा हूँ ताकि सही समझ में आ जाए, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकता हूँ लेकिन आपको सही समझ में आ जाए, क्योंकि कॉमन कौन सा आ गया कैसे आ गया वो आपके दिमाग में तुरंत सेट नहीं होगा, इसलिए एक बार मैं मान लेता हूँ ए बी एन का क्षेत्रफल एक्स प्लस वाई, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई, सी एम डी, सी एम डी की जगह लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी, और बताओ एम सी ए एन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम सी ए एन को लिख सकते हैं ए अल्फा और वाई, ए प्लस अल्फा प्लस वाई, ए से अपने पास ए कट जाएगा और वाई से अपने पास वाई कट जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एक्स प्लस बी के बराबर आ गई, और यही हमें प्रूव करना था, अल्फा किसके बराबर आ गया एक्स प्लस बी के बराबर आ गया। तो ध्यान रखना मैंने यही आप लोगों को समझाया है कि इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होता है और इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होता है क्वाड्रिलेटरल में, उन दोनों का सम ऑलवेज इसके बराबर होता है, इस बीच वाले भाग के क्षेत्रफल, ये जो बीच वाला पार्ट है इसके एरिया के इक्वल होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, अल्फा बराबर एक्स प्लस बी प्लस एक्स, ऐसे याद रखने के बजाय ये तो मैंने बताया है, आप लोग इसको मानना एस वन, इसको मानना एस टू और बीच वाले को मानना एस, जो आपको याद रखना है एस बराबर होगा एस वन प्लस एस टू, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। आइए इससे नेक्स्ट पॉइंट मैं फिर समझाता हूँ, वो थोड़ा इससे भी इम्पोर्टेंट, इससे भी बड़ा, इससे भी लेंथी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोशिश करोगे समझने की तो समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन कोशिश करना सभी लोग। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, तो देखिए आप लोग यहाँ पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल अपने पास ए बी सी और डी, कोशिश करना समझने की, ये पॉइंट मान लो ई है, ये इसका मिड पॉइंट मान लो एफ है, इसका मिड पॉइंट मान लो जी है और इसका मिड पॉइंट मान लो एच है। मैं आप लोगों को मिड पॉइंट्स थ्योरम पढ़ा रहा हूँ, अभी तक आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, अभी तक जो मैंने बताया आप लोगों को दो साइड में ही अपने पास मिड पॉइंट्स थे, अब की बार चारों साइड्स में ही मिड पॉइंट्स आ गए, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये वाला जो है वो इसके इक्वल है। अब हम लोगों को करना क्या है, ई एफ G और H यहाँ से इसको मिला दीजिए, देखो पहले मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से इसको हम लोगों ने मिला दिया और यहाँ से इसको हम लोगों ने मिला दिया, इसी प्रकार से इसको इससे मिला दिया जाए मिड पॉइंट से और इसको इससे मिला दिया जाए मिड पॉइंट से, तो सारे लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो सभी लोगों को याद करना है, ऐसे नहीं तीन लोग याद कर लो और पांच लोग याद नहीं करो, सभी को देखना है, क्या देखना है क्या याद करना है, ये वाला क्षेत्रफल अगर S1 है, ये वाला क्षेत्रफल अगर S2 है और ये अगर S3 है और ये अगर S4 है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, याद रखना S1 प्लस S2 का क्षेत्रफल S1 प्लस S2 का एरिया इक्वल होगा S3 प्लस S4 के एरिया के, ये आप लोगों को याद रखना है, S1 प्लस S3 का जो एरिया होगा S3 प्लस S4 के एरिया के इक्वल होगा, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, क्यों होगा वो चीज़ मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ, मैं एक बार फिर बना देता हूँ, फिर बता देता हूँ, इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होता है रेड से दिखा देता हूँ और इनका एरिया जो होता है और ये जो है अपने पास एरिया, इन दोनों के एरिया का सम और पांच में से कोई भी चार हम लोगों से पूछेगा इसके एरिया का जो सम है वो अपने पास इस वाले और इस वाले भाग के क्षेत्रफल के सम के बराबर होता है, ऐसा आप लोग ध्यान रखना। अब ऐसा होता क्यों है वो चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, तो सभी लोग ध्यान देना और कोशिश करना सीखने की, एक बार मैं ये तो लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो आप लोग लिख लीजिए, अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, एक बार मैं फिर बना देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, एक बार मैं फिर बना देता हूँ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल, ये मान लो ए है, ये मान लीजिए बी है, या थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ ना, थोड़ा छोटा बन गया, काफ़ी सारी चीज़ें क्योंकि इसमें समझानी है मुझे, तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही समझ में आए, ये इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग, ये अपने पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी चतुर्भुज है जिसका ये पॉइंट मान लीजिए ई है, ये पॉइंट मान लीजिए एफ है, ये पॉइंट मान लीजिए जी है और ये वाला पॉइंट मान लीजिए एच है।
अब हम लोग इसको इससे मिला दें, अगर ज्वाइन कर दें मिड पॉइंट से, और इसको इससे ज्वाइन कर दें इस प्रकार से मिड पॉइंट से, तो इन दोनों का सम, इन दोनों के सम के बराबर होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग लिखेंगे ई बी जी और डी, ये दोनों हम लोग लिखते हैं। देखिए ई बी जी और डी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ई बी जी और डी, ये अपने पास क्वाड्रिलेटरल जो है ई बी जी और डी एक चतुर्भुज जो है, इसके बीच से अगर मैं लाइन खींच दूं यहाँ से एक लाइन मैं खींच दूं, ये ग्रीन मार्कर से मैं दिखा रहा हूँ, बीच में अगर एक लाइन खींच दी जाए तो एक क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल से मिलकर बना है। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया जब भी मैं लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल, और ये मिड पॉइंट्स हैं, ये देखो ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट्स हैं, ई एफ जी और एच जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ई बी जी और डी बनाए, ये दो ट्राइंगल से मिलकर बनाए, एक तो कौन से ट्राइंगल से मिलकर बनाए, ये बी ई डी से मिलकर बनाए, ट्राइंगल बी ई डी, ये वाला बी ई डी, और दूसरा बनाए डी बी जी से मिलकर बनाए, ट्राइंगल डी बी जी। और मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए, ये अपने पास जो है बी ई डी, यहाँ पर बी ई डी की जगह, क्योंकि मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल की, मैं बात करूँ बी डी ए की, तो ये मिड पॉइंट है, वर्टेक्स एक है, मीडियन खींच दी तो क्या ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले का एरिया बराबर होगा क्या? ये साथ साथ ध्यान से समझते रहना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो ई ए डी, यहाँ पर आप लोग ट्राइंगल ई ए डी लिख सकता हूँ इसकी जगह, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ई ए डी लिख सकते हैं, और उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं साथ साथ इसकी जगह, ये जो है बी जी डी का मिड पॉइंट है, वर्टेक्स एक बी सी डी ट्रायंगल में, वर्टेक्स सी पर मीडियन खींच दी तो इधर वाले का और इधर वाले का एरिया बराबर होगा, तो जी बी डी की जगह हम लोग जी बी सी भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग जी बी, ये ना जी बी सी, ये भी हमारे पास लिखा जा सकता है। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये जो ई ए डी का जो क्षेत्रफल है, ये जो ई ए डी का क्षेत्रफल है, ये बराबर होगा ए बी एच के क्षेत्रफल के, किसके बराबर होगा, ए बी एच के क्षेत्रफल के। और जितने भी लोग अगर ध्यान से देख रहे हैं और एसएससी के लिए थोड़ा सा सीरियस हैं और इस चैनल को ध्यान से समझ रहे हैं, तो मुझे पता है कि उनके समझ में नहीं आया कि ये ए बी एच कैसे लिख दिया, लेकिन अभी मैं 5 सेकंड बाद ही समझा दूंगा। एक बार आप लोग भी याद कर लो कि ये लिख दिया मैंने, और इधर से जैसे ही अपने पास सी बी जी जो क्षेत्रफल है उसको सी एफ डी भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग सी एफ ट्राइंगल सी एफ डी भी लिख सकते हैं। मुझे पता है जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि कब आपके समझ में आ रहा है कब आपके समझ में नहीं आ रहा, इसको मैंने कैसे लिख दिया 100% लोगों के समझ में नहीं आया, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ही मैं समझा दूंगा, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। तो मुझे बताइए, इसकी जगह हम लोगों ने लिख दिया ए बी एच, और ये मिड पॉइंट है, तो जहाँ ए बी एच है उसकी जगह एच बी डी लिख सकता हूँ क्या मैं, इसकी जगह लिख सकता हूँ ट्राइंगल एच बी डी, एच बी डी, और ऐसे सी एफ डी की जगह, सी एफ डी की जगह मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट से मीडियन अगर है तो ये क्षेत्रफल बराबर होगा, तो सी एफ डी की जगह हम लोग बी एफ डी भी लिख सकते हैं। और मुझे बताइए, ये दोनों मिलकर क्या एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं क्या, ये एक चतुर्भुज बना रहे हैं, ये इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल अपने पास बना रहे हैं, ये वाला एक चतुर्भुज बन गया बी एफ डी और एच, ये चतुर्भुज बन गया अपने पास बी एफ डी और एच, क्वाड्रिलेटरल अपने पास बन गया, ये दोनों ट्राइंगल मिलकर एक तो ये वाला और एक ये वाला एच बी डी और ऊपर वाला बी एफ डी मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, और इसके बीच से लाइन खींच दें तो इस क्वाड्रिलेटरल को क्या हम लोग बी एफ एच, क्या हम लोग क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल बी एफ एच, इस क्वाड्रिलेटरल को क्या हम लोग ट्राइंगल बी एफ एच प्लस, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो यही है, सेम यही क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, तो इसको बी एफ एच लिख सकते हैं और इधर से एच एफ डी लिख सकते हैं, प्लस एक तो बी एफ एच लिख दिया, एक एच एफ डी प्लस ट्राइंगल एच एफ डी, एच एफ डी। और मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो अपने पास लिखा है मैंने बी एफ एच, ये यहाँ से यहाँ तक बी एफ एच अगर हम लोगों ने लिख दिया है, ये हम लोगों ने बी एफ एच जो लिखा है उसकी जगह क्या एफ सी एच भी लिख सकता हूँ क्या मैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो बी एफ एच जहाँ पर लिख दिया वहाँ पर एफ एच एच सी भी लिख सकता हूँ मैं, एफ एच सी भी लिख सकता हूँ, और जहाँ पर एच एफ डी लिखा आपने, एच एफ डी,
जो लिखा है ना आपने एच एफ डी, उसकी जगह हम लोग इधर वाला ट्रायंगल, क्योंकि जहां पर एच एफ डी लिखा है उसकी जगह इधर वाला ट्रायंगल भी लिख सकता हूं ए एफ एच, और ये दोनों मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? ए एच सी और एफ बन रहा है, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल ए एच एफ और सी। तो यहां पर मैंने प्रूव किया कि ए एच एफ और सी का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों के क्षेत्रफल के, ये वाला जो एरिया है वो इस एरिया के इक्वल होगा, ये मैंने प्रूव किया। ये यहां से अपने पास ई ए डी को, जो अपने पास ई ए डी था उसको ये कैसे लिख दिया, ये आप लोगों को एक बार यहां पर याद करना है, अभी तक मैंने नहीं समझाया है, बाकी आपको कंप्लीट समझ में आना चाहिए। और कंप्लीट समझाने के बाद भी यहां पर जो चैनल देख रहे हैं उनमें से 90% को नहीं समझ में आया, मुझे पता है इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि काफ़ी बार जब मैं समझाता हूँ स्टूडेंट्स को तो मुझसे दो तीन बार पूछते हैं तो आपको भी नहीं समझ में आया, कम से कम इसको रिवाइज करके 7 या 8 बार देखोगे तो अच्छे से दिमाग में सेट होगा। फिर भी अगर दिमाग में सेट नहीं हो तो मैंने एक बता दिया है कि इस चीज़ को याद कर लो, इन दोनों का सम और इन दोनों के सम के बराबर होता है। वो क्या होता है उस चीज़ को तो मैं वापस समझा देता हूँ, लेकिन ये पॉइंट आप लोगों को याद भी होना चाहिए कि किस प्रकार से आया, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। अब मैं आप लोगों को मैं बताता हूं कि ये आया कैसे, इस पॉइंट से मैंने ये पॉइंट कैसे लिख लिया। एक बार इसको लिखो अच्छे से और दो तीन बार आप लोग देखना। यहां पर मैंने प्रूव किया है कि ई जी, ये वो कैसे प्रूव होगा मैं बताता हूं। ये दोनों आ गया सबसे पहले, तो देखो आगे मैं समझाता हूं, मैं एक बार फिर से बनाता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोगों के मुझे पता है नहीं समझ में आया, 90% लोगों के नहीं समझ में आया, लेकिन दो तीन बार देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड से ऊपर की चीज़ें। अगर मैंने सबसे पहले ये पढ़ाया होता ना आपको कि क्वाड्रिलेटरल में अपने पास A1, A2, A3, A4, तो तुरंत समझ में आ गया होगा कि A1 into A3 बराबर A2 into A4, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ तक आप लोग पढ़ भी लेते हो और बताते ही समझ में भी आ जाती हैं। लेकिन एडवांस की चीज़ें अगर शुरुआत अगर करोगे ये चीज़ों का तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों को 100% लगना है, थोड़ा टाइम तो एक बार समझने में लगेगा। लेकिन अगर आप लोग 7-8 बार देखोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं समझ में आए, क्योंकि कंप्लीट मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, ये कोई भी अपने पास क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रखना है, हो सकता है आपको रोम्बस जैसा दिखाई दे, लेकिन आज रोम्बस नहीं पढ़ रहे हैं, कोई भी अलग अलग हैं ये साइड्स, है ना, इस प्रकार से बना लो थोड़ा। देखिए ए बी सी और डी, ये पॉइंट अपने पास ई है, ये पॉइंट अपने पास एफ है, ये पॉइंट अपने पास जी है और ये पॉइंट अपने पास एच है। इसको इससे मिला दो और इससे आप लोग इसको मिला दीजिए इस प्रकार से, और ये डायग्राम मैं वापस भी बनाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो दो तीन बार तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा ये चीज़, लेकिन आप लोग समझना। मुझे बताइए इसको अगर इससे मिला दिया जाए, इसको अगर इससे मिला दिया जाए और अगर हम लोग इसको इससे मिला लें, ये देखो ध्यान देना, इसको इससे मिला दो एक बार और इसको इससे मिला दीजिए और दूसरे मार्कर से मिलाएं तो आप लोगों को और सही समझ में आएगा और अच्छी चीज़ें आपके समझ में आएगी। वो जो लाइन पहले मिलाई है उसको भी मैं मिलाऊंगा वापस से, लेकिन मैं आपको एक बार इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। मुझे सारे लोग मिलकर मुझे बताओ क्या ई इसका मिड पॉइंट है, एच इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, इस ट्राइंगल ए बी डी की, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, ये आपको याद होगा। अब आप लोग मुझे बताइए इस वाले ट्रायंगल जो है ए ई डी, जो है ट्रायंगल ए ई डी, ये रहा ई ए डी या ए ई डी, बात एक ही है, तो ट्रायंगल ए ई डी समझना सभी लोग, ट्रायंगल अपने पास इस प्रकार से ई ए डी जो है, ट्रायंगल ई ए डी जो है ये दो भागों से मिलकर बना है, एक तो इससे मिलकर बना है ए एफ एच से, ए ई एच से मिलकर बना है, और एक मिला बना है ये एच ई डी से मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना है? ए ई एच, ए ई एच से, और एक मिलकर बना है ये एच ई डी से, एच ई डी से। अब देखिए अगर आप लोग इसको इससे मिला देते हो तो मुझे बताइए दोनों लाइन पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइन से जब लाइन दो पैरेलल हो और एक ही बेस से, चाहे इधर वाला ट्रायंगल हो चाहे इधर वाला ट्रायंगल हो, कौन कौन सा ट्रायंगल, क्या इस वाले ट्रायंगल का एरिया बेस अगर सेम हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक के आधार पर, चाहे ये वाला ट्रायंगल और चाहे इधर वाला ये वाला ट्रायंगल, एक ही बेस से, ये बेस मैं मान रहा हूँ, कल की क्लास में मैं समझाऊंगा आपको, पैरेललोग्राम में आएगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक के आधार पर बने ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होता है, तो ये रेड वाली दोनों लाइन पैरेलल हैं,
यहाँ पर एक ट्रायंगल तो ये वाला बना और एक ये वाला ट्रायंगल बना, दोनों का एरिया बराबर होगा, तो सारी चीज एरिया में ही चल रही है, याद रखना। एच ई डी, एच ई डी का क्षेत्रफल अपने पास एच ई बी के बराबर होगा, ध्यान रखना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये तो अपने पास है ट्रायंगल ए ई एच, और इसको लिख सकते हैं हम लोग एच ई डी की जगह, एच ई डी की जगह हम लोग एच ई बी भी लिख सकते हैं। और मुझे बताइए ये दोनों मिलकर ए ई एच, ए ई एच दोनों मिलकर, ए ई एच और ऊपर वाला ट्रायंगल ये मिलकर, ये दोनों मिलकर इसको क्या कंप्लीट ट्रायंगल ए बी एच लिख सकता हूं क्या मैं? यही मैंने लिखा है इसको, ई ए डी को ए बी एच। समझ में आया क्या कैसे लिख दिया? तो ये चीज और ऐसे ही उधर वाली को ये प्रूव करके ऐसे ही लाइन खींचोगे यहां से पैरेलल, और ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, उसी प्रकार से उधर वाले को लिखा है, आप लोग कोशिश करना समझने की। देखो मुझे पता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, मैं चाहता तो मैं भी छोड़ सकता था इसको, मैं छोड़ देता कि यार कॉम्प्लिकेटेड है इतनी मेहनत क्यों करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ताकि आपके एग्जाम में अगर कभी भी आए, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि अपने पास ये और इसका क्षेत्रफल बराबर हुआ है, यही प्रूव हुआ है। अब आप कैसे करोगे, देखो मैं फिर समझाता हूं इससे ये कैसे आया, ये यहां पर मैंने बताने की कोशिश की है। अब देखिए आप लोग, यहां पर मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं समझ में आया हुआ कम से कम ये चीजें देखकर आप लोग ये तो याद कर लोगे, ये तो पता लग जाएगा कि होता क्या है, कम से कम क्वेश्चन आए तो तुरंत आप लोग सोल्व कर पाओगे। ई एफ जी और एच, मैंने समझाया कि इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दिया जाए, इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए, ये मिड पॉइंट्स हैं सारे। तो ध्यान रखना इसका क्षेत्रफल अपने पास मान लीजिए x है, इसका क्षेत्रफल y है और ये z है, ये a है और ये b है। तो मैंने क्या समझाया आपको, ई एफ जी डी का क्षेत्रफल ए एच एफ सी के क्षेत्रफल के बराबर आ गया, एरिया इक्वल आ गया, क्षेत्रफल यानी एरिया इक्वल आ गया, कौन कौन से का, ई बी जी डी, कौन कौन से का, देखिए मैं यहां लिख देता हूं एक बार मिटाकर, क्वाड्रिलेटरल ई बी जी डी का क्षेत्रफल कितना है, ई बी जी डी का क्षेत्रफल ए प्लस वाई प्लस बी, कौन कौन सा है, ए प्लस वाई प्लस बी, और इधर वाले का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास इसका ए एच एफ सी का क्षेत्रफल, ए एच एफ सी का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप लोग ध्यान रखना y से y कट गया तो a प्लस बी बराबर आ गया किसके, x प्लस वाई के, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये आप लोग याद रखना। या आप लोग इसको x और y में नहीं मानकर, अगर आप लोग मानते हो कि इसका क्षेत्रफल s1 है, इसका क्षेत्रफल s2 है और इसका क्षेत्रफल अपने पास s3 है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल और इस वाले भाग का क्षेत्रफल S4 है, तो आपका रटा हुआ होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, और इन चारों में से कोई तीन देकर चौथा आप लोगों से पूछ सकता है। फिर बैठे बैठे वहाँ दिमाग लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, दिमाग लगाते रहना। अगर ये चीज़ें आपकी बेसिक पढ़ा हुआ है, नहीं समझ में अगर आया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, समझ में आया तो आपका दिमाग चलेगा, अच्छे पॉइंट्स हैं, नहीं समझ में आया तो याद क्या रखना आप लोगों को, बताओ क्या याद रखना है, बोलो आप लोग। जैसे जैसे मैं अच्छी चीज़ें पढ़ाने की शुरुआत करता हूँ आप लोग थोड़ा सा सुनने हो जाते हो, ऐसे नहीं, साथ साथ बोला करो आप लोग। जैसे मैं बोलता हूँ क्या याद रखना है तो आपको तुरंत बोलना है कि S1 प्लस S2 याद रखना है S3 प्लस S4 के बराबर, जिससे चीज़ें आपको सही तरीके से S1 प्लस S2 याद भी रहती हैं, बोली हुई चीज़ें याद भी रहती हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर ये चारों मिड पॉइंट्स हैं तो S1 प्लस Y प्लस S2, S3 प्लस Y प्लस S4, Y से Y कट जाएगा और ये अपने पास आ गया। समझ पाए हो क्या? तो हाँ ना तो आप लोगों को बोलना ही है जब भी मैं आप लोगों से पूछूं। देखिए हाँ ना बोला करो, जितना ज़्यादा हाँ या ना बोला बोलोगे आप लोग उतना ही ज़्यादा मैं अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। और आप लोग कमेंट 100% क्या करो, नीचे वीडियो पर हमेशा 100% आप लोगों को कमेंट करने हैं, चाहे आप लोग वीडियो के बीच में करो चाहे लास्ट में करो, हाँ ना कम से कम कुछ नहीं करना, तो हाँ ना तो क्या करो ही क्या करो, और लाइक क्या करो, डिसलाइक मत क्या करो, आप लोग लाइक क्या करो वीडियो को। देखो इस प्रकार से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ए बी सी और डी, ये पॉइंट जो अपना, ये अपने पास पॉइंट ई है, डी तक तो ले ही चुके हैं मिड पॉइंट, ये अपने पास एफ है, ये अपने पास जी है और ये अपने पास एच है, इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए,
ऐसे अगर मिला दिए जाएं तो ये वाला क्षेत्रफल जो है कौन सा, बीच वाला, ये मान लो S1 है, ये मान लीजिए S2 है, ये मान लीजिए S3 है, ये मान लीजिए S4 है। तो ध्यान रखना S1, S2, S3 और बीच वाला ये जो है अपने पास, इसको आप लोग मान लीजिए ये S है। तो याद रखना S बराबर जो होगा, S बराबर होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 के। ये चारों देकर आपको बीच वाले का क्षेत्रफल पूछ लेगा, फिर ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी चतुर्भुज अपने पास, और ये चारों का एरिया देकर, इसका इसका और इसका एरिया देकर ये बीच वाले का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछ लेगा। फिर आप लोगों को लगेगा कि ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना, हम लोग इसको इस टाइप से सोल्व करेंगे और अपने पास चारों को ऐड करेंगे। तीन दे दिया, ये दो दे दिया, ये एक दे दिया, ये पाँच दे दिया, तो सभी को ऐड करोगे तो बीच वाले के क्षेत्रफल के बराबर आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, खुद करने की कोशिश करना। अब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, कुछ चीज़ें खुद भी आपको करनी है, कुछ थोड़ी बहुत तो मेहनत खुद भी करोगे, थोड़ी बहुत नहीं, मेहनत सारी आप लोगों को ही करनी पड़ेगी, सिलेक्शन तभी होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। ये मैंने बताया आप लोगों को। ये देखिए इस प्रकार से कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई भी चतुर्भुज अपने पास, ये इसका मिड पॉइंट है, ये अपने पास मिड पॉइंट नहीं है, अब के बाद मिड पॉइंट बहुत देर होगी पढ़ते हुए। ये और ये अपने पास इस प्रकार से, ये तीन भागों में इसको बांट रहे हैं ऐसे, ये बराबर हैं। अब की बार तीन भागों में बांट दिया, एक दो और तीन भागों में बांट दिया, ऐसे इसको तीन भागों में बांट दिया, इक्वल तीन भागों में बांट दिया, है ना, इक्वल थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी आ गई है, आप लोग भी ऐसे मत मिलाना कि इधर से ऐसे करके ही मिलाना है, थोड़ी सीधी मिलानी है इसको। तो ये वाला जो बीच वाले भाग का जो क्षेत्रफल है, टोटल का एरिया अगर अपने पास ए है और इसका अगर ए वन है, तो ध्यान रखना बीच वाले ए वन का जो क्षेत्रफल है वो टोटल का अपने पास ए बाई नाइन होगा। ये जो बीच वाले भाग का क्षेत्रफल है, टोटल का जो एरिया होगा उसका एक बटे नौ होता है क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये याद रखना है। टोटल का क्षेत्रफल जब अपने पास स्क्वायर दे दे, रेक्टेंगल दे दे, तो आप सोचोगे हम कर पाएंगे, क्वाड्रिलेटरल दे दे तो हम लोग इसको किस प्रकार से कर पाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना, टोटल का क्षेत्रफल दे दिया अपने पास मान लो 18 है और बीच वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ ले, तो ये होगा ए बाई नाइन। अगर आप लोगों को लगता है कि इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते रहें, कंटेंट इसी प्रकार से मैं आप लोगों को कंटेंट देता रहूं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर हमेशा किया करो। वैसे आप लोग कर रहे हो, अपने सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोस को, ये अच्छी बात है। तो आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, और कल शाम को फिर मिलते हैं। कल मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कुछ अच्छे पॉइंट्स। क्वाड्रिलेटरल्स तो हमारा ख़त्म हो चुका है, इसको आप लोग कंप्लीट बार बार देखिए। कल कोई नया पॉइंट क्वाड्रिलेटरल का ही आगे नया पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा। तो अगली क्लास में कल शाम को फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।